आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों पितरों की अगली सीरीज में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों का सवाल रहता है, गया श्राद्ध के बाद, गया में पिंडदान के बाद, गया में तर्पण के बाद क्या पितरों की पूजा करनी पड़ती है? जहां ये पड़ती शब्द आ जाता है ना, वहां कुछ नहीं होता। फिर एक बात बताइए, गया श्राद्ध करना क्यों जरूरी होता है? सबसे पहली बात, गया में श्राद्ध करने के बाद हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है, पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। पूर्वजों और पितरों में फर्क होता है। पितर, जो पितर हमारे पूर्वज पितरलोक में चले गए हैं, जो दोबारा से मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आएंगे, उन्हें पितर बोला जाता है। जो भूत प्रेत आहुकवासुक इत्यादि योनियों में चले गए हैं, उन्हें हम पूर्वज बोल सकते हैं। जो अन्य योनियों में जाते हैं, उन्हें तुरंत भगवान भेज देते हैं अन्य योनियों में कि जाओ चले जाओ गया श्राद्ध के बाद। किसी को कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी जो भी बना के भेजना है, उनको भेज दिया जाता है। जो पितृलोक में बैठे हैं, जब हम उनका श्राद्ध उनका तर्पण गया में करते हैं, तो वो विष्णु भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ चले जाते हैं। ठीक है, पितृ और पूर्वज का फर्क। दूसरी बात, गया एक ऐसी जगह है जहां महिलाएं पिंडदान कर सकती हैं, जहां माता सीता ने ये काम किया था। दूसरी किसी भी जगह पर महिलाएं पिंडदान नहीं कर सकती, याद रखना इस बात को। अब देखिए, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हमें ब्राह्मणों ने बताया है, हमें हमारे पूर्वजों ने बताया है, हमें किसी जानकार ने बताया है, या हमें यूट्यूब पर फेसबुक पर कहीं वीडियो मिली है कि गया श्राद्ध के बाद पितरों की पूजा नहीं करनी होती। ये निहायती गलत बात है। गया श्राद्ध कर दिया आपने, आपके जो पितर थे वो भगवान के धाम चले गए, बिल्कुल सटीक बात है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शरीर में रक्त तो उन्हीं पूर्वजों का बह रहा है, नाम तो आज भी उन्हीं पूर्वजों का चलता है, उन्हीं पितरों का चलता है, संपत्ति तो आज भी उनकी हमारे ही पास है, तो हमें पूजा करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गया श्राद्ध के बाद पिंडदान भी होगा, तर्पण भी होगा, श्राद्ध भी होगा, अमावस्या भी निकाली जाएगी, 16 दिनों का पितृपक्ष भी मनाया जाएगा, सारी चीज ज्यों की त्यों चलती रहेंगी। पता है क्यों? क्योंकि पहले ये सब चीजें आपके पितर ग्रहण करते थे, अब यही चीजें विष्णु भगवान ग्रहण करने लग जाएंगे। अब जब आप अपने पितरों को बुलाते हैं, वो आते हैं और आपकी परेशानी दूर कर देते हैं, फिर जब आप अपने पितरों को बुलाओगे, पितर नहीं आएंगे क्योंकि वो तो विलीन हो चुके हैं, तब साक्षात श्री विष्णु भगवान आपकी सहायता के लिए आएंगे। और जिसके लिए खुद विष्णु भगवान आते हैं, क्या इस चक्कर में पड़कर, 2000 लोगों के चक्कर में पड़कर हम पूजा छोड़ दें? अरे नहीं मेरे भाई, ये तो आप लोगों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि जिनके लिए पहले पितर आते थे, अब खुद विष्णु भगवान आते हैं। क्या पितर विष्णु भगवान से बड़े हैं? नहीं। और अगर आज आपके लिए पितरों की बजाय भगवान विष्णु आते हैं, और आपने अपनी मेहनत के द्वारा, अपने तप जप के द्वारा अपने पितरों को विष्णु भगवान में विलीन कर दिया है, इससे अच्छा दृश्य नहीं हो सकता। आपने अपने पितरों को नहीं, खुद अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। अब विष्णु भगवान आपको भी इस धराधाम को छोड़ने के बाद अपने श्रीधाम जगह देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने पूर्वजों की और अपने पितरों की मुक्ति का कारण बने हो। कभी भी पूजा नहीं छोड़नी है, जीवन पर्यंत। आने वाली पीढ़ी को पहले से ही बताओ, 5 साल 7 साल की उम्र से ही उनसे पूजा करवानी शुरू कर दो। जब भी आपका लड़का 10 साल का हो, उसे बोल दो कि अब से पितरों की पूजा तू करेगा। उसे बताओ कि पितर क्या होते हैं, हमारे पूर्वज क्या है, हमारी पीढ़ी क्या है, हमारा इतिहास का क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। अगर ऐसे तर्पण करोगे, श्राद्ध करोगे, तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको भी तो अपनी मुक्ति चाहिए। अगर आपकी आने वाली पीढ़ी ने ऐसा काम नहीं किया, तो आप भी तो भटकोगे जैसे अब पीछे वाले भटक रहे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी को संकेत दीजिए और हर हाल में पितरों की पूजा, अमावस्या, तर्पण, श्राद्ध करना ही पड़ेगा। पहले की सारी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, हमने वहां जाके देखिए। साथ के साथ हमारा फेसबुक पेज भी दे दिया है, वहां जाके फॉलो करिए। आपको कोई मैसेज है, आप टाइप करिए या फिर यही कमेंट में बताइए। हम हर 2 दिन में फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं, और लाइव आकर आप लोगों की अरदास भी भगवान को लगाते हैं, आप लोगों से भी लगवाते हैं, और आपके सवालों का भी जवाब देते हैं। आप वहां भी जुड़ा करो, हर 2 दिन बाद लाइव आते हैं, तो आप भी वहां से जुड़िए। पितरों की पूरी सीरीज नीचे मिल जाएगी। इस वीडियो को भी अन्य प्रेमियों के पास आप जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।